ये देखो चश्मा पहन के चाय पी रहा है बंदा। जी भाई ये काला कुत्ता आ रहा है यहाँ पे तोड़ दो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका M2 ब्लॉग्स में। M2 ब्लॉग्स मतलब मैं हूँ मनोज और ये है मिस्टर मुकेश। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। आज हम लोग जा रहे हैं जौलजीबी और अभी फ़िलहाल हम नैनीपातल पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से। हम लोगों ने नाश्ता वास्ता नहीं किया है, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारे पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी नहीं है और दूसरी बात ये माइक भी नहीं है, तो अभी हम लोग सिर्फ ब्लूटूथ को यूज़ करके हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। आने वाले वीडियो और बेहतरीन रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी हम चलिए चलते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे से अभी हम नाश्ता वास्ता करेंगे। तो चलिए आगे को चलते हैं। फिर हम नैनीपातल से आगे बढ़े। देखो ये मंदिर आया था, ये मंदिर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर को बहुत सारे एक्सटेंट वगैरह होते थे, तो इस वजह से यहाँ पर को भगवान की स्थापना की गई और तब से यहाँ पर को एक्सटेंट वगैरह नहीं हुए। फिर हम आगे बढ़ते रहे और जो हाईवे आजकल बना हुआ है ये NH9 हाईवे है और ये धारचूला और जौलजीबी मतलब ये रोड जाती है धारचूला तक, उससे आगे भी जाती है। बट ये रोड अब इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब इसमें आप इतना कोई मतलब है, आपको ऐसा सफ़र का कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप ख़राब जगह पे सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब अच्छी हाईवे बन चुकी है पूरी। ये जो नीचे आपको गांव नज़र आ रहा है ये नैनीपातल है और कुछ समय बाद हम फिर करांचीना पहुँच जाएंगे। तो करांचीना में हमने नाश्ता किया, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी देखिए सुबह का मौसम है तो सब लोग स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर नज़र आए होंगे आपको। और ये पहाड़ में जो ऊपर को कोहरा जब आता है ना सुबह, ठंडा ऐसा हो रहा था सुबह, जब मौसम ही ऐसा हो जाता है सुबह का, पहाड़ का मौसम ही यही है कि सुबह सुबह के टाइम पे ठंडा ही होता है। और यहाँ पर पहाड़ों के इलाके में हम जब पहुँचे थे तो यहाँ पर को देखो कोहरा ऊपर को आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था मगर ठंड भी लग रही थी। हम एक ही सेट पर गए थे ना, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा ठंड होगा, मगर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, क्या ही बोलूँ। अब वो तो देख ही रहोगे आप कितना कोहरा लगा हुआ है और सारा चीज़ अच्छा ही है। मज़ा आया था, खूब घूमते हुए चले गए थे हम लोग दोनों जने। और फिर आगे देखो अभी आपको दिखाते हैं, धारचूला यहाँ से देखो 74 किलोमीटर है और कनानचीना सिर्फ 9 किलोमीटर है। फिर हम पहुँच गए थे डायरेक्टली देखो कनानचीना, तो हमने फिर उस टाइम वीडियो नहीं बनाया। नाश्ता किया हमने अंकल जी के वहाँ, यहाँ पर हमने पराठे खाए और छोले खाए गरम गरम और एक भांग की चटनी थी जो काफ़ी अच्छी थी, फेमस हो गई थी। मन्ना भाई मनोज भाई तो बोला था बहुत ही अच्छी लगी उसे तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर खाना खाया और पराठे खाए, काफ़ी अच्छे पराठे बनाए थे गरम गरम। देखो कितना आनंद से खा रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ आपको, चिढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, चिढ़ा नहीं रहा हूँ, बस दिखा रहा था कि खाना खा रहे हैं। फाइनली दोस्तों हमने खाना खा लिया है और बेगर नाश्ता कर लिया है, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत मस्त था। तो आगे बने रहिए, आगे और दिखाते हैं हम आपको कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फिर हम निकले और देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, धारचूला 70 किलोमीटर, डीडीहाट 29 किलोमीटर और देवलथल 16 किलोमीटर, ओगला 19 किलोमीटर यहाँ से था। फिर यहाँ पर मॉन्की भी दिख गए थे बंदर, हमें यहाँ पर दर्शन हो गए थे बजरंग बली के। मंगलवार तो था नहीं, सोमवार ही था, फिर भी दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छा लगा बंदरों को देख के यहाँ पर को। फिर ये आगे झरना आया और झरने के बाद हम मनोज को दे रहे हैं, मनोज बोलेंगे आगे। मनोज बोलिए। गाइस पहाड़ों की ये खास बात है कि यहाँ मोड़ मोड़ में झरने मिल जाते हैं। ये देखिए मिस्टर मुकेश यहाँ पे झरने से खेलते हुए खूब आनंद लेते हुए इस झरने का। बहुत आनंद लिया है यहाँ पर झरने का मैंने, और मनोज भी यहाँ पर आनंद लेने के लिए उनको बुलाया मैंने, कहा तुम भी ले लो भाई झरने कहाँ मिलते हैं फिर दोबारा। फिर मनोज भाई भी आए यहाँ पर को। ये देखो यहाँ पे झरने का ऐसा सच में बहुत मज़ा आया, सच में यार ऐसा होता है पहाड़ों में रुक के ना ऐसे झरने मिल जाते तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर हम यहाँ से निकले, फिर देखो यहाँ धारचूला 35 किलोमीटर था और क्या है गर्जिया पता नहीं क्या है, ये भी कुछ था यहाँ से यार देख नहीं पाया, पढ़ते होंगे आस पास। हाँ तो फिर इसे देखिए नीचे पे ना बहुत उफानों पर आ चुकी थी नदी, नदी का पूरा कलर ही चेंज हो गया। देखो कहाँ नदी नीली होती है, यहाँ पे पूरी भूरी हो रही है नदी। हाँ ये ऐसा हुआ था ना, बरसात आ रही है आपको पता ही, आजकल बरसात हो रही है तो इस वजह से देखो पूरी काली हो गई थी। काली नदी तो है ही है, काली नदी जो धारचूला से आती है। हाँ ये काली नदी ही है मगर देखो भी किसी उफान में चल रही है। फिर हम यहाँ से निकले आगे को देखो, फिर गाय हाई यहाँ पे दिखी हमें, जो दिखी जाती है पहाड़ों में हमेशा गाय वाय दिखी जाती है, तो फिर अच्छा लगा हमें। और आगे को चलते गए हम लोग, देखो आप देख ही रहोगे पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, मगर यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी, वो खतरनाक गर्मी हो रही थी, यहाँ से पसीने पसीने आ गए थे, यहाँ से स्टार्ट हो गया था मतलब। हाँ पहले हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि जब हम घर से निकले थे कि हम गलत आ गए ठंडे में यार शर्ट पहन के, क्योंकि उस टाइम पे कोहरा वोरा लगा था। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए ना गर्मी का एहसास होते गया, वहाँ पहुँच गए तो ऐसा लग रहा था कि हम पहुँच गए कोलकाता,
क्योंकि भैया इतना गर्म हो रहा था सच में। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। एक तो नदी हुई ना पास में, जहाँ अगर नदी पास में हुई तो वहाँ बहुत गर्म होता है। और कभी भी आओ तो देखो रोड कितनी अच्छी बन चुकी है। NH9 है ये रोड, हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे बन चुका है अभी। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए थे, देखो ये जौल जीबी पहुंच गए थे और यहाँ पर सामने बोर्ड लगा है जौल जीबी का, बट यहाँ जाल जीबी कर रहा है, किसी ने इसमें छेड़खानी की है शायद मेरे ख्याल से। आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा हमारा, आगे आने वाला वीडियो आने वाला है जिसमें हम नेपाल जाएंगे और कुछ कॉमेडी सीन्स भी हैं उसमें, तो एक विचित्र मतलब जगह भी है जो हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। ये नीचे SSB है जहाँ हम गए थे, पहला SSB। नेक्स्ट SSB जो जहाँ जाने वाले हैं वो नेपाल के अंदर है, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो फिर आप ही का घाटा है। फिर मिलते हैं।